डीएम ऑफिस में ग्रामीणों का हंगामा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललोली थाना क्षेत्र के उरौली गांव से महिलाएं सहित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा काटते हुए डीएम को ज्ञापन देते हुए ग्राम प्रधान हरदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलोनी के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा पैसा ले लिया गया है, लेकिन कॉलोनी नहीं दी। कई बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया है। आज डीएम साहब को ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता ने विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर जांच कराए जाने को लेकर अधिकारियों को शपथ पत्र के साथ शिकायत की है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा 3 सदस्य टीम गठित कर जांच को गांव भेजी गई है और टीम बिना जांच के वापस आ गई, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने डीएम अपूर्वा दुबे को शिकायती पत्र देते हुए जांच टीम के साथ प्रधान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा आवास के नाम पर 130 पात्र लोगों से 10 से 15 हजार रुपए की वसूली के साथ मनरेगा में काम करने के बाद हम लोगों को पैसा नहीं दिया और जॉब कार्ड जबरन अपने पास रखे हैं। डीएम साहब के पास काहे के लिए आई हो दाई? हमारी यहाँ कॉलोनी के हमारे 5 हजार रुपया लिए तो डीएम साहब के पास आए और जाते दुआरे तो हमका गाड़ी दे थे मारे कटौरा। कौन? हरदीप सिंह प्रधान उरौली का। अब मैं जात के डुमारी टट्टी झाड़ झाड़ के पैसा साहेब दीन हूँ और कुरिया डारे पारी हूँ पन्नी डारे नान नान के दूठे बच्चे न मेरे पुतहु न लड़का पूर्णिया अकेले राण बे वहाँ सा क्या कहता है प्रधान? वो नहीं कहा था कि आगू की पंसुआरी में तुम कमी ली तो आगू की पंसुआरी में तो और कौन ना नहीं होता नहीं उहारे तक आगू की पंसुआरी में हम कर दे। लेटरिंग मिली है आपको? हाँ लेटरिंग तो मिली थी। क्या नाम है आपका? राज राय। कौन से गांव से आई? उरौली से। गांव के साथ बहुत गलत कार्य किया है। करीब 130 लोगों से 5 से लेकर 15 हजार रुपया तक लिया है और मनरेगा के तहत जो कार्य हुआ है उनका पैसा नहीं दिया गया, उनका जॉब कार्ड भी रख लिया गया है और जो तालाब खुदवाया था नया तालाब उसको मतलब पुरवा के खेत बनवा लिया गया है। जो पुराना 2005 से 10 के बीच में रामकरण प्रधान द्वारा करवाया गया था तो उनके तालाब के एंगल अपने खेत में लगा लिया गया है। उस दिन जाँच टीम हमारे गाँव पहुँची है जिसमें श्री अधिशासी अभियंता श्री वो महेंद्र सिंह पटेल थे और उद्यान अधिकारी श्री राम सिंह यादव जी थे। तो उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि सर जो भी प्रमाणित लेखा जोखा है वो हमें दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। बोले कि हम कोई DPRO नहीं है, आप DPRO से बात करिए। पैसा किस बात का लिया गया है? गांव कॉलोनी के नाम से पैसा लिया। कितना कितना पैसा लिया? 5 हजार से लेकर 15 हजार के बीच लिया गया, करीब 130 लोगों से। 130 लोगों जो कि ये जनता खड़ी है, ये सारी पैसा दी हुई है। आज डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्य करेंगे, अगर यहाँ से कार्य हमारा नहीं हो सफल हो रहा तो हम आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? श्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़े या कहीं का भी हमें दरवाजा खटखटाना पड़े, हम खटखटाएंगे जाएंगे। पात्रों को नहीं दिया? पात्रों को नहीं मिला। हमें अपने गांव से इस दबंग आदमी से रोना आ रहा है। कोई भी इंसान जाता है FIR करने, उसको मारा जाता है, धमकाया जाता है, उसको इतना लाचार किया जाता है। माँ बहन कौन है ये प्रधान? श्री हरदीप सिंह है, मोरम माफिया सपा कार्यकाल के थे, बहुत पैसे वाले हैं, हम उनके लायक नहीं है, लेकिन हम गरीब हैं क्या करें, हमारी पर्ची हुई थाली खींची जा रही है। हम लोग ग्राम पंचायत उरौली से आए हुए हैं, ऐसे भीषण ठंडक में जमुना किनारे के गांव के रहने वाले हैं। 3 बार से दौड़ रहे हैं लेकिन निष्पक्ष जाँच प्रधान की नहीं हो रही। हरदीप सिंह की वो इतना बाहुबली दबंग मोरम माफिया है कि लोगों से 5 हजार से लेकर 15-15 हजार तक गरीब जनता से हमारी ले लिया है। लोगों ने जेवर धर के और जमीन धर के दिया है, वो रो रहे हैं, उनके खाने की रोटी नहीं है। किस बात का पैसा? PM आवास कॉलोनी के लिए लिया है, कॉलोनी किसी नहीं मिल पाई। जो भी विकास कार्य 5 साल के हुए उसमें कोई भी काम नहीं किया और उन्हीं को एक आध तालाब वाला खुदवा करके उसको परवा के पैसा निकाल लिया। नरेगा के लोगों में पैसा लिया गया, वो काम कराया गया, पैसा नहीं दिया गया, एक एक परिवार भूखा मर रहा है। और जो भी विकास कार्य हुआ कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। अभी जाँच अधिकारी गए हुए थे 3 महीने बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी दौड़ने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री या प्रधान जिलाधिकारी मिलने के बाद तो गए, तुरंत केवल घूमे टहले अब बस चले आए। कहा मेरे पास समय नहीं, मीटिंग लगी है। हमने कहा अभिलेख जो प्रमाणित होना चाहिए जिसकी जांच किस आधार पर कर रहे हैं, तो कहीं DPRO साहब समझे मैं मुझे फुर्सत नहीं है।